गाइज, वेलकम बैक टू दीपिका व्लॉग्स। मेरे चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में सेफ होंगे और लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय क्या कर रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे मेरी तरह। सो गाइज, मुझे कुछ अपनी वीडियोस में कमेंट्स आए थे मेरी स्किन के बारे में कि मेरी स्किन काफ़ी लोगों को पसंद आती है। एक्चुअली अभी मेरी स्किन पर कोई मेकअप नहीं, मैं अभी नहा करके जस्ट आई हूँ। सो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मैम अपना स्किन केयर रूटीन है जो हमारे साथ शेयर कीजिए, तो इस ये वीडियो उनके लिए ही है। तो बेसिकली मैं आज आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो मैं अपनी स्किन पर लगाती हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस मौसम की। तो मौसम आज बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है ज़रूर मुझे बताइएगा। सो चलिए बैक टू आवर पॉइंट कि सबसे पहले स्किन केयर। अब मैं आज का जो रूटीन है वो डे केयर रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दो तरह का स्किन केयर रूटीन होता है, एक नाइट में किया जाता है और एक डे में। सो नाइट वाला जो रूटीन होता है उसके अंदर जो है आपकी स्किन ज़्यादा बेटर रिकवर करती है, क्योंकि नाइट में ना स्किन होती है रिकवर मोड पे आ जाती है और अच्छे से जो है आपकी स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं डे के रूटीन कर रही हूँ तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। अगर आपको नाइट के रूटीन भी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं वो भी आपके लिए वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है गाइस स्किन के रूटीन का, वो होता है फेस वॉश। अब फेस वॉश आप कौन सा यूज़ करें? मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं जो फेस वॉश रेकमेंड करती हूँ, जो मैं अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको दो फेस वॉशेस बताऊँगी। वैसे तो मैं तीन बताऊँगी बट दो फेस वॉश उसमें से ऐसे हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो किसी भी स्किन टाइप के लिए। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, कोई भी स्किन टाइप आपका है, आप उन दो फेस वॉशेस को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले वाला है ये वाला एथिग्लो फेस वॉश, जो मैंने आपके साथ एक वीडियो प्रॉपर शेयर किया हुआ है उसके रिव्यू के साथ। आप चाहे वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा जो फेस वॉश है गाइज, वो है ये वाला फैब इंडिया का फेस वॉश है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों फेस वॉशेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बेस्ट हैं और सभी स्किन टाइप में सूट करते हैं, और मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं तो मुझे दोनों के बारे में ज़्यादा बेटर नॉलेज है। तीसरा जो फेस वॉश है गाइज, वो है हमारा हिमालया नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश। अब ये फेस वॉश आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा कंज्यूम हो भी गया है। ये मैं क्यों रेकमेंड कर रही हूँ गाइज, क्योंकि ये अगर आपकी स्किन ऑयली और ड्राई है उस केस में आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, तो आप इसे यूज़ ना करें, क्योंकि ना तो ये एक्ने प्रिवेंट करता है और ना ही एक्ने इससे दूर होते हैं। तो ऑयली और ड्राई स्किन दोनों केसेस में आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसे यूज़ करूँ क्योंकि मेरी स्किन टाइप ऑयली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया थर्ड वाला फेस वॉश। अब फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले गाइस बारी आती है फेस को टोन करने की। फेस क्लीन है मेरा इस टाइम पे, कोई जो है मैं नहा कर आई, मैंने इसी फेस वॉश से फेस वॉश कर लिया है। अब बात करते हैं टोनर की। सो गाइस, टोनर के लिए अब आप क्या यूज़ करेंगे? अब मैं आपको दो टोनर रेकमेंड करूँगी जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं और दोनों ही सभी स्किन टाइप के लिए सूट करते हैं। अब मैंने आपको ऑयली स्किन बताई है अपनी, बट इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ गाइस, वो सभी स्किन टाइप के लिए सूट करती हैं। मैं सभी चीज़ें आपको डिटेल में बता रही हूँ। टोनर आप यूज़ करिए फैब इंडिया का फेशियल वाटर नीम तुलसी। ये टोनर बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है और इसे फेस को वॉश करने के बाद ही आपको यूज़ करना है, जो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। और ये टोनर मैंने यूज़ कर लिया है तो मुझे इसके बेनिफिट्स पता है। राइस वाटर हमेशा आपके फेस के लिए हाइड्रेट करने में, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में काफ़ी हेल्प करता है, रिफ्रेश कर देता है आपकी स्किन को। तो इसे आपको यूज़ करना है फेस को वॉश करने के बाद। तो जैसे कि इस तरह की स्प्रे बॉटल में आता है, आइज क्लोज करके इसे इस तरीके से अच्छे से आप स्प्रे कर लीजिए अपने फेस पर और अपने फेस को छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए 5 to 10 minutes इसे अब्जॉर्ब होने के लिए। क्योंकि कभी भी आपको जो टोनर है उसे इस तरह से रब करके कभी भी अब्जॉर्ब नहीं करना, उसे छोड़ देना है, जस्ट लीव इट फॉर 10 minutes एंड इट विल अब्जॉर्ब ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा फर्स्ट टोनर हो गया जो आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। सेकेंड टोनर है जो गाइस वो सभी यूज़, वैसे तो ये टोनर भी सभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन केस आप नहीं चाहते कोई मार्केट का प्रोडक्ट आप यूज़ करें, उस केस में आपके लिए जो टोनर है नेक्स्ट है वो गुलाब जल रोज़ वाटर। ये भी एक बहुत ही अच्छा टोनर है गाइस, ट्रस्ट मी, ये मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ। फैब इंडिया मैंने अभी कुछ टाइम पहले यूज़ करना स्टार्ट किया है, बट गुलाब जल तो मैं डेली यूज़ करती आ रही हूँ बहुत टाइम से। इसे आप इस तरह की स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए जैसे मैंने आपको दिखाया, और इस तरह से स्प्रे करिए जैसे मैंने आपको बताया। आप चाहें तो आप इसे कॉटन पैड की हेल्प से भी इस तरीके से डैब डैब करके अपनी स्किन पे लगा सकते हो। तो हो गया सेकंड स्टेप टोनर का। सो गाइज, उसके बाद टोनर करने के बाद गाइज बारी आती है फेस पे
सीरम अप्लाई करने की, वो बना करके वो है लोरियल रिवाइटलिप का माइक्रो एसेंस फेस सीरम। ये फेस सीरम मेरी सेकेंड बॉटल है, फर्स्ट मैं इसे ऑलरेडी कंज्यूम कर चुकी हूँ। यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन शॉट मैं लगा दूंगी, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो आप इतने देर में मेरा टोनर बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया है स्किन पे, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो यही हमें चाहिए, हमें हाथ से इसको बिल्कुल भी रब नहीं करना है। अब बारी आती है गाइस फेस सीरम यूज़ करने की, जो मैं यूज़ कर रही हूँ लोरियल का। इसे कैसे यूज़ करना है प्रॉपरली और कितना यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कवर की हुई हैं, आप चाहें वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने डाल दिया है। तो इस तरीके से मैं इस सीरम लगा लेती हूँ। अब गाइस सीरम अप्लाई कर लिया है, उसके बाद गाइस बारी आती है स्किन को मॉइस्चराइज करने की। अब मॉइस्चराइज करने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो कोई भी पिक कर सकते हो। आप निविया की क्रीम यूज़ कर सकते हो, लाइट मॉइस्चराइजर, आप जो है जो अभी मैं लेटेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत लाइट सी क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, डाबर की बेबी क्रीम। अब डाबर की बेबी क्रीम मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी लेकिन काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट्स लगे इसके, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं क्योंकि ये बेबीज़ के लिए बनाए जाते हैं तो इसमें केमिकल्स तो होते ही नहीं हैं। आप इसमें नो हार्मफुल केमिकल्स इसके मेंशन भी किया हुआ है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 ग्राम का ये वाला पैक आ जाता है, सो ये बेबी क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। इसे मैं अब यूज़ करने वाली हूँ। सो फेस को मॉइस्चराइज मैंने कर लिया है गाइज, अब लास्ट स्टेप बारी आती है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट बोल सकते हो आप इसे, सेकेंड लास्ट स्टेप की बारी आती है, वो है हमारा रिक्विल का सनस्क्रीन लोशन। अब रिक्विल सनस्क्रीन लोशन क्यों, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात की 50 PA++++ है, तो जो कवरेज देगा वो बहुत अच्छी देगा आपको, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, उसके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है गाइज इस सनस्क्रीन की, कि आप इसे समर्स में, विंटर्स में भी लगाना चाहिए, वैसे समर्स में आप लगाओगे तो ये बिल्कुल भी जो है आपको ऑयली लुक नहीं देगा, मैट फिनिश देगा और जो है आपको बिल्कुल भी चिपचिपा लुक नहीं देगा। मैं इसे डेली में यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसका इफेक्ट काफ़ी पसंद आया, तो मैंने आपको रेकमेंड कर रही हूँ रिक्विल का सनस्क्रीन। बेस्ट सनस्क्रीन बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये वाला रेकमेंड करती हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसका लिंक, इसका वीडियो भी मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हो, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब बात करते हैं लिप्स के बारे में। अब तो गाइस अब बात करते हैं लिप्स की, लिप्स को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लिप्स की केयर करना, क्योंकि आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो, लिप ग्लॉस अप्लाई करते हो, उस केस में आपके लिप्स पिगमेंटेड हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने लिप्स पे हमेशा लिप बाम अप्लाई करके रखिए, चाहे आप लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों केस में आपको इसे लगाना ही लगाना है, ये आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करता है। अब लिप बाम्स में मैं आपको 3 लिप बाम्स जो है रेकमेंड करूँगी, करती हूँ, तीनों ही बहुत अफोर्डेबल है, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, मैंने तीनों यूज़ किए हुए हैं। आप हमेशा लिपस्टिक अप्लाई करें उससे पहले भी, और वैसे नॉर्मली भी आप इसे अप्लाई करके रखें, लिप्स को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो फर्स्ट है ये आपका लोटस हर्बल्स का लिप ब्लश, तो ये मैंने अभी लेटेस्ट मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं अभी अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट लाइट सा आपके ऊपर लिप्स पे हल्का सा बिल्कुल जो है इसका टिंट आएगा, बहुत लाइट सा, इतना पता नहीं चलेगा, और साथ में जो है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। सेकेंड लिप बाम है हिमालय का, हिमालय एक अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छा है लिप बाम, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड है निविया एसेंशियल लिप केयर, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तीनों ही जो लिप बाम है वो अंडर 100 रुपीज़ हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, तीनों ही यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़ ये था मेरा स्किन केयर। इसके अलावा गाइज़ मैं जो है वीक में 2 बार फेस पैक अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर, और 2 ही बार मैं जो है अपने फेस पर स्क्रब अप्लाई करती हूँ। और स्क्रब कौन सा मैं अप्लाई करती हूँ, स्क्रब के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ गाइज, पहले मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ बायो केयर का चारकोल स्क्रब, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये स्क्रब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज, मैंने इसे बहुत टाइम यूज़ किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद गाइज आपको मैं दूसरा स्क्रब जो बता रही हूँ, वो है बायोटिक बायो पपाया का फेस स्क्रब, वो भी 100% आयुर्वेदिक है, और चारकोल स्क्रब भी और बायोकेयर स्क्रब भी, दोनों ही स्क्रब आप किसी भी स्किन टाइप के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के यहाँ स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, प्लस आपको दोनों की वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ज़रूर आप जाके देखिएगा।
स्क्रब आपको वीक में सिर्फ दो बार करना है, ये ध्यान रखिएगा गाइस। इसको कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, सारी चीज़ें वीडियो में मैंने कवर की हुई हैं, आप जाके ज़रूर वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये था मेरा गाइस स्किन केयर रूटीन। इससे ज़्यादा प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बाहर की नहीं यूज़ करती। फेस पैक मैं घर पर बनाती हूँ, और जो है फेस पैक के अंदर ही कई बार मैं स्क्रब ऐड कर लेती हूँ, राइस फ्लावर ऐड कर लेती हूँ, तो मुझे बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो गाइज ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आप इसके अलावा भी कोई वीडियो देखना चाहते हो मुझे डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। उसके अलावा गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।